इंदौर में लगातार 3 दिनों से कोरोना वैक्सीनेशन नहीं हुआ, आने वाले 14 जुलाई तक स्थिति बनी रहेगी, इस पर वैक्सीनेशन अधिकारी डॉक्टर बीएस सेतिया ने कही। हालांकि वैक्सीन डोज की कमी के चलते वैक्सीनेशन अभियान बुरी तरह प्रभावित हुआ है, 14 जुलाई के पास डोज मिलने की संभावना है, उसके बाद ही स्थिति सामान्य होगी। वहीं अभी विभाग के पास कोविशील्ड और कोवैक्सीन के चुनिंदा डोज ही बचे हैं, जिनका उपयोग दूसरे डोज के लिए किया जाएगा। इंदौर में 9 जुलाई से वैक्सीन अभियान रुका है, डोज की कमी के चलते लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के पास कोवैक्सीन की 13,000 डोज और 900 डोज कोविशील्ड के हैं, इनका उपयोग दूसरे डोज के लिए ही किया जाएगा। स्थिति 14 जुलाई तक यूं ही बनी रहेगी। फिलहाल डोज की कमी के चलते पूरे मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान प्रभावित हुआ है। प्रारंभिक तथ्यों के आधार पर उसमें कार्रवाई की गई है और उसमें पुलिस संबंधित, चूंकि दस्तावेज पर आधारित मामला है, तो पुलिस उसमें दस्तावेजों के बारे में जानकारी ले रही है। सर, क्या मामला था ये? पत्र बनाया गया, ये मुख्य तौर पर पदोन्नति से जुड़ा मामला था, जिसमें एक पदोन्नति से जुड़े पत्र के बारे में माननीय न्यायालय ने इनकार किया कि ये पत्र ऐसा कोई जारी नहीं हुआ है, इसी को लेकर के संबंध में कार्रवाई हुई। वैक्सीनेशन का ये है कि अभी हमारे पास वैक्सीन की जो डोजेस बहुत कम मात्रा में आ रही, शनिवार को भी हमारे यहाँ वैक्सीनेशन नहीं था, और अभी जो हमारे पास वर्तमान में 13,000 कोवैक्सीन के डोज पड़े हुए और उसके अलावा करीब 900 डोज हमारे कोविशील्ड के पड़े हैं। ये कोविशील्ड के हमारे MGM में लगेंगे, जहाँ पर कि फॉरेनर्स जाने वाले और जो कर रहेंगे यात्री, उन लोगों के सेकंड डोज के लिए रखा है। और कोवैक्सीन के कल कुछ जहाँ पर कंटिन्यू कोवैक्सीन के सेंटर्स लगे हुए हैं वहाँ पर कोवैक्सीन लगेगा, तो हमारे पास 13,000 का डोज ही पड़ा है। और चूँकि सोमवार को भी मिनिमम डोज है, बहुत कम है लगेंगे, मंगलवार को हमारा रूटीन का टीकाकरण होगा, उस दिन भी नहीं लगेगा टीकाकरण हमारे कोविड के, और बुधवार को भी अभी बता दिया गया है कि बुधवार को भी कोई वैक्सीनेशन नहीं होगा।